अगर सूर्य का 1 ग्राम टुकड़ा पृथ्वी में किसी जगह पर रखा जाए तो क्या होगा, और एक लड़की को थप्पड़ मारने की नौकरी मिली, और हमें 2 आंख होते हुए भी दोनों आंखों से एक ही चीज को क्यों देखते हैं, और फांसी के समय अपराधी के मुंह को काले कपड़े से क्यों ढक दिया जाता है, और नोकिया फोन में हाथ मिलाते हुए वो दोनों हाथ किसका है, और फल या फिर सब्जी पर वो स्टिकर क्यों लगाया जाता है, और बुर्ज खलीफा और सैमसंग के बीच में क्या संबंध है, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। नंबर 21, जब अपराध करने पर दोषी को फांसी की सजा सुनाई जाती है, फिर उसके बाद फांसी देने से पहले दोषी को उनके मुंह काले कपड़ों से ढक दिया जाता है। ऐसा इसलिए मरते समय उसका तड़पाता हुआ चेहरा वहां पर मौजूद लोगों को ना दिखाई दे, क्योंकि इस दृश्य को देखने वाला कभी उसके चेहरे को भूल नहीं सकते। फैक्ट नंबर 20, आज के समय में पूरी दुनिया में 195 कंट्री है और उन कंट्री के अपने अपने फ्लैग है, लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया के सबसे पुराना फ्लैग कौन सी कंट्री का है? डेनमार्क की फ्लैग दुनिया के सबसे पुराने फ्लैग है, जो 1913 से चला आ रहा है, जो लगभग 110 साल पुराना फ्लैग है। हालांकि हमारी पुराने भारत का फ्लैग 1931 में बनाया गया था। नंबर 19, कुछ कंपनियों के प्रोडक्ट जो हमारी भारत में उन्हें हेल्दी माना जाता है, लेकिन वही प्रोडक्ट बहुत सी कंट्री में बैन है, जैसे कि लाइफ बॉय साबुन को भारत में बैक्टीरिया और जर्म्स के बचने के लिए बहुत से अच्छा माना जाता है, और वो साबुन बहुत से घरों में इस्तेमाल किया जाता है। जो संयुक्त राज्य अमेरिका में लाइफ बॉय साबुन बैन है, क्योंकि वहाँ इस साबुन को इंसानों के स्किन के लिए हानिकारक माना जाता है। वहाँ के लोग इस साबुन को इस्तेमाल पालतू जानवर की सफाई करने के लिए करती है। नंबर 18, अक्सर इंसान छोटी मोटी चीजों से बहुत ही गुस्सा हो जाती है, लेकिन ज्यादा गुस्सा होना भी सेहत के लिए हानिकारक होती है, जिससे आपकी मौत भी हो सकती है। ज्यादा गुस्सा करने पर इंसान की इम्यूनो सिस्टम कमजोर हो जाती है, हार्ट अटैक की संभावना बढ़ने लगती है, स्किन प्रॉब्लम बढ़ती है, अनिद्रा, हाई बीपी और कब्ज की शिकायत होने लगती है, साथ ही चिंता, सिरदर्द और नकारात्मक बातें दिमाग में आती है। इसलिए जितने दिन इस दुनिया में हो हमेशा खुश रहने की कोशिश करो। नंबर 17, आज के समय में मोबाइल और मोबाइल से जुड़े अन्य डिवाइसेस, इन सभी में लगभग आपको ब्लूटूथ देखने को जरूर मिलेगा, लेकिन क्या आपको पता है ब्लूटूथ का उद्भवन कैसे हुआ और इसका नाम ब्लूटूथ क्यों हुआ और उसको लोगो ऐसा ही क्यों है? दरअसल ब्लूटूथ का नाम 10वीं शताब्दी में नॉर्वे के राजा हेल्डर ब्लेटोन के नाम पर रखा गया। ब्लूटूथ की तकनीक और इस्तेमाल और राजा का उद्देश्य एक जैसा ही था, विभिन्न समूहों के बीच एकता और संचार करना। उनका नाम H और B पर रूनी लिपि में दोनों को मिलाकर ब्लूटूथ चिन्ह बनाया गया। नंबर 16, हम जब किसी ऐप या फिर वेबसाइट या फिर नेट बैंकिंग में साइन अप करते हैं तो एक OTP आती है हमारे मोबाइल या फिर डिवाइस पर, लेकिन ये OTP क्या है और कैसे ये OTP उत्पन्न होती है और इसका उद्देश्य क्या है, ये कई लोगों नहीं जानते। तो चलिए जानते हैं OTP से जुड़े कुछ अनजाने तथ्य। OTP का फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड है। OTP एक टेक्नोलॉजिकल मैकेनिज्म है जिसके माध्यम से यूजर के लिए सिंगल यूजर पासवर्ड उत्पन्न होता है, जो यूजर को उस ऐप और वेबसाइट पर घुसने से पहले या फिर काम पूरा करने से पहले वेरीफाई करती है और सही यूजर को पहचानने में मदद करती है। नंबर 15, क्या आपने सोचा पहले 4G फोन में किसी को फोन करते समय इंटरनेट बंद हो जाती थी, मतलब उस फोन से एक समय में कॉल और इंटरनेट इन दोनों में से सिर्फ एक ही इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन अभी के समय में 4G फोन में एक समय में कॉल के साथ साथ आप इंटरनेट को भी यूज कर सकते हो, लेकिन ऐसा क्यों है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आपको वोल्टी और LTE के बारे में जानना होगा। पहले जानेंगे LTE के बारे में। LTE का फुल फॉर्म लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन है और LTE एक 4G नेटवर्क है। इसमें फोन कॉल के समय इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद हो जाती है, और दूसरी तरफ वोल्टी का फुल फॉर्म वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन है, और वोल्टी भी एक 4G नेटवर्क है, लेकिन इसमें फोन कॉल के समय इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद नहीं होती है। नंबर 14, जो कोई भी भारतीय नागरिक है उन्हें तो जरूर पता होगा 15 अगस्त हमारे देश की स्वतंत्रता दिवस मनाया जाती है, लेकिन क्या आपको पता है 15 अगस्त सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में और भी 3 देशों में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, हालांकि उनके साल अलग है। पहला है जापान से साउथ कोरिया 15 अगस्त साल 1945 में आजाद हुआ था, ब्रिटेन से बहरीन 15 अगस्त 1971 में आजाद हुआ था, और फ्रांस से कॉन्गो 15 अगस्त 1960 को आजाद हुआ था। नंबर 13, अभी जो कपड़ों को आप देख रहे हो वो म्यूजियम में रखी हुई है, लेकिन सवाल ये है उन कपड़ों में क्या खास बात है जिसकी वजह से उन कपड़ों को म्यूजियम में रखी हुई है? दरअसल वो कपड़े उन लड़कियों के है जिनके साथ रेप हो चुकी है, और इनको म्यूजियम में संभाल कर ये दिखाने के लिए रखा गया है कि लड़कियों के साथ रेप उनके कपड़ों की वजह से नहीं होती है। नंबर 12, अगर आप उन जमाने से गुजर चुके हो जिस समय में नोकिया का इस मॉडल का फोन इस्तेमाल किया जाता था, आपने जरूर देखा होगा उन मोबाइल में पावर ऑन या फिर पावर ऑफ करते समय दोनों हाथ आपस में हैंडशेक करते हुए, लेकिन क्या आपको पता है उन दोनों के हाथ किसका है? आपके जानकारी के लिए बता दूं, उसमें से एक हाथ एक महिला है जिसका नाम मार्थ स्टीवर्ट है, और दूसरा हाथ एक बच्चे का है जिसका नाम जेकरी जॉनसन है। नंबर 11, माइकल जैक्सन को कौन नहीं जानता है? वो एक मशहूर डांसर था। माइकल जैक्सन को 100 साल से भी ज्यादा जीवित रहने की इच्छा थी, जिसके कारण उन्होंने अपने सेहत की देखभाल करने के लिए बहुत सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर को रखी हुई थी, फिर भी
25 जून 2009 में उनकी डेथ हो गई थी और उनके मौत के बाद उनकी अंतिम यात्रा को 2.5 अरब लोगों ने लाइव देखा था, जो दुनिया की ज्यादा देखने वाला लाइव है। नंबर 10, हमारे पास तो दो आंखें हैं तो हम केवल एक ही चीज को क्यों देखते हैं? इसका जवाब है, हम अपनी आंखों से नहीं बल्कि हमारी ब्रेन की वजह से देखते हैं। दोनों आंखों से एक साथ एक ही वस्तु पर टारगेट करती है, लेकिन दोनों आंखें अलग अलग तस्वीर बनाती है जो धुंधला सा होती है, और हमारी ब्रेन इन दोनों तस्वीरों को मिलाकर एक करता है, इसलिए हम दोनों आंखों से एक ही चीजों को देखती है। नंबर 9, अगर हम किसी चीज को छूते हैं तो हमारे न्यूरॉन उस संवेदना को 124 माइल प्रति घंटे की रफ्तार से दिमाग तक पहुंचाते हैं, जो दुनिया की सबसे फास्ट ट्रेन जो फ्रांस में है वो 575 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है, उससे भी तेज। जो टच हमारी जिंदगी का एक नॉर्मल ही चीज है जिसके बारे में हम सोचते ही नहीं। नंबर 8, साउथ कोरिया में फैन डेथ की मान्यता बहुत प्रसिद्ध है। इस मान्यता के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपने कमरे में पंखे चालू रखकर सो जाते हैं तो उसकी मृत्यु तो हो सकती है। साउथ कोरिया के लोगों की इस मान्यता की ध्यान में रखकर वहाँ की पंखों में टर्न ऑफ टाइमर लगे होते हैं, जिसके वजह से किसी व्यक्ति को सो जाने पर पंखे अपने आप बंद हो जाते हैं। नंबर 7, वैज्ञानिकों ने आए दिनों में बहुत सारे नए नए बैक्टीरिया और वायरस को खोज निकाला है और उनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि वो बैक्टीरिया हमारे लिए या फिर आने वाले पीढ़ियों के लिए अच्छा साबित होगा या फिर खतरा है। लेकिन आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि हमारे शरीर में रहने वाले 99% अणुजीवों के बारे में विज्ञान का कोई जानकारी ही नहीं है। नंबर 6, आपने कभी कभार ध्यान दिया होगा कि फलों में और ज्यादातर एप्पल में एक स्टिकर लगा होता है, लेकिन वो स्टिकर किस पर्पस के लिए लगाया जाता है क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हो तो मैं बताता हूँ। अगर किसी फल पर या फिर सब्जी पर लगे स्टिकर पर 5 डिजिट का कोड है जिससे नंबर 9 से शुरू होता है, तो इसका मतलब वो फल हेल्दी और नेचुरल फल है जो एकदम नेचुरल तरीकों से उगाया गया है। और अगर कोई फल या फिर सब्जी पर 5 डिजिट का कोड है और वो 4 से शुरू होता है, तो इसका मतलब वो फल आधा नेचुरल और आधा दवाइयों की मदद से उगाया गया है। और अगर किसी फल में 4 डिजिट का कोड है और वो 4 से ही शुरू होता है, तो इसका मतलब है उसे कीटनाशक और केमिकल्स की सपोर्ट से उगाया गया है, इसलिए 4 से शुरू होने वाले फलों को अब ना खाए। नंबर 5, अगर आपको सैमसंग के बारे में कुछ बोलने को कहे तो सबसे पहले आपके दिमाग में सैमसंग का मोबाइल ही आएगी, लेकिन आपको नहीं पता सैमसंग का सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक का ही नहीं बल्कि कंस्ट्रक्शन का भी कारोबार है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का कारोबार कई कंपनी संभाल रही है, जिसमें से सबसे अहम सैमसंग है। नंबर 4, विशाखापट्टनम में रहने वाली अप्पला राजू और भाग्य लक्ष्मी नाम की दोनों कपल ने उसी दिन जुड़वा बेटियों को जन्म दिया जिस दिन उन्होंने 2 साल पहले अपने दोनों बेटियों को एक एक्सीडेंट के दौरान खो दिया था। 15 सितंबर 2019 को एक नाव दुर्घटना में अपने दोनों बेटियों को खो दिया था और 15 सितंबर 2021 में उन्होंने जुड़वा बेटियों को पैदा किया। व्हाट ए कोइंसिडेंट। नंबर 3, हमारी पृथ्वी को रोशनी देने वाला सूर्य कितना गर्म है यह तो आप जानते ही है। आज तक सूर्य के करीब एक भी स्पेस रॉकेट नहीं जा पाए, लेकिन क्या होगा अगर सूर्य की 1 ग्राम टुकड़ा पृथ्वी भी किसी जगह पर रख दिया जाए? तो सूर्य इतना गर्म है कि यदि सूर्य की 1 ग्राम टुकड़ा पृथ्वी पर कहीं भी रख दिया जाए तो उस टुकड़े का 145 किलोमीटर के भीतर रहने वाली सभी प्राणियों की मृत्यु हो जाएगी। नंबर 2, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। इसे देखकर आपको क्या लगता है कि कैसे इन चेयर के अंदर से पेड़ उग के बड़ा हुआ या फिर उन चेयरों को पेड़ के साथ ही बनाया गया? जरूर आप ये सोच रहे हो, लेकिन असलियत क्या है वो मैं बताता हूँ। दरअसल उन चेयरों को पोलैंड में साल 1939 में एक शादी के लिए रखा गया था, लेकिन जर्मन के आक्रमण के कारण उन कुर्सियों को छोड़ दिया गया था। युद्ध के बाद उनके बीच में से पेड़ उगते हुए पाए गए। उसके बाद हर साल उन कुर्सियों को रंग किया जाता है। आखिरी फैक्ट जानने से पहले, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर देना, ऐसे ही नए नए फैक्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नंबर 1, भारतीय अमेरिकी उद्योगपति मनीष सेट्टी ने फेसबुक से अपने लत को दूर करने के लिए कारा नाम की एक लड़की को नौकरी पर रखा है। जब भी मनीष फेसबुक खोलने की कोशिश करती है तो कारा उनके गालों पर जोरदार थप्पड़ चिपका देती है। इस काम के लिए कारा को 600 रुपए प्रति घंटे मिलते हैं। मनीष 9 सालों से फेसबुक की लत को छोड़ने के लिए थप्पड़ खा रही है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई दूसरी वीडियो में ऐसे अजीब फैक्ट के साथ। और हाँ, कौन सी फैक्ट आपको अच्छा लगा ये कमेंट में लिखना मत भूलना।